नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र विश्वास चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 18 फरवरी 2024 रविवार का दिन है और माघ मास के शुक्ल पक्ष आज नवमी तिथि, नक्षत्र आज रोहिणी। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:47 से लेकर 12:38 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा आज सुबह 6:13 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहने वाली है वृषभ राशि पर। आज का अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन 4:02 से लेकर 6:05 तक रहेगा। इस अशुभ काल में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, और यह प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, आज इनकम भी बढ़ेगी, नौकरी में उपलब्धियां प्राप्त होंगी, काफ़ी समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, धन व्यापार में उपलब्धियां प्राप्त होंगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। आज किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा कर सकते हैं, साथ ही साथ यात्रा करते समय सावधानी बरतें, छोटी मोटी चोट चपेट लगने की संभावना है, थोड़ा परहेज करें। सेहत को लेकर थोड़ी दिक्कतें आएंगी, घर परिवार में किसी भी सदस्य के, चाहे वो भाई बहन हो, माता पिता हो या फिर स्वयं आपकी वाइफ हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खान पीन की चीज़ों में ध्यान रखें, सेहत को लेकर भी कुछ दिक्कतें आएंगी। विदेश जाने का योग बनेगा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में शामिल होंगे। कन्या राशि को चंद्रमा आज आपके नौवें भाव पे, भाग भाव पे गोचर करेंगे, इसलिए आज धर्म कर्म के कार्य करेंगे, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा। वैवाहिक जीवन में बढ़ेंगे, जिनका विवाह तय है और जिनका विवाह अभी तक तय है उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आएगा, घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही दूर दराज की यात्रा होगी, कोई धार्मिक उत्सव हो सकता है। नौकरी बिजनेस व्यापार में उपलब्धि प्राप्त होगी, व्यापार में रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरी में आज सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ होगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आज आपके लिए काफी लाभप्रद रहेंगे। जो कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। नजदीकी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में तेजी से लाभ देखने को मिलेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कारोबार का विस्तार देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण यानी कि लाभ भी मिलेगा और कुछ नए कार्य पूरे होंगे, जो काफी समय से अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। नजदीक मित्र के मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफी समय से नहीं बन पा रहे थे, साथ ही साथ आज महत्वपूर्ण लाभ भी मिलेंगे, कुछ यानी कि इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। नौकरी के माध्यम से, बिजनेस व्यापार के माध्यम से घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ काफी अच्छे संबंध मधुर बने रहेंगे, जीवन साथी के साथ करीबी रिश्ते आपके रहेंगे। साथ ही साथ आज वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, संतान की प्राप्ति होगी, घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, कुछ नए महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे जो काफी समय से रुके हुए थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। धन व्यापार में भी आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होगी, नए लाभ देखने को मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। विदेश की यात्रा होगी, विदेश जाने के लिए उत्सुक जातकों को आज खुशखबरी प्राप्त होगी, लेकिन आज हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर सेहत को लेकर घर परिवार में किसी भी सदस्य के, जैसे जीवन साथी हो या फिर भाई बहन हो या फिर माता पिता हो, सेहत में रुकावटें देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ बाहर की चीज़ों से परहेज करें, खान पीन से, और स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई पर फोकस रहेगा। विदेश में अगर कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, और साथ ही आज धन खर्च में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक के लोन वगैरह मंजूर होगा और किसी के सहयोग से लाभ होगा, समाज मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। साथ ही राजनीतिक मसले हल होंगे, अविवाहित जातक के विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, तो वही जिनका विवाह तय है वो वैवाहिक जीवन में बनते नजर आएंगे। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होगा, जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला आज महत्वपूर्ण होगा, घर परिवार से आज महत्वपूर्ण खुशखबरी प्राप्त होगी। प्रेम जीवन यानी जो लव पार्टनर से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा, एक दूसरे का समय दे पाएंगे, एक दूसरे के साथ सीखे हुए गिले दूर करेंगे, और दूर है तो फोन के माध्यम से भी जुड़े रहेंगे, सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। आज के दिन आज आपका शुभ रंग रहेगा भूरा कलर, भाग सात निवारा तकरीबन 80% शुभ अंक रहेगा 3। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।